तो आप देखेंगे कि मैंने अपनी अपनी स्केच बुक ले ली है और इसके साथ साथ मैंने ये 0.5 पेंसिल भी ली है और एक ये एक जो है 2B की पेंसिल ली हुई है और इरेजर। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसका जो है स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, ट्यूटोरियल देख देख देखते आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको एक्चुअली मैं प्रोफाइल व्यू ले रहा हूँ, तो अभी मैं प्रोफाइल व्यू जो है स्केच कर लेता हूँ और इसको 20 से यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से मैं नोज़ का और लिप का पार्ट निकालने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आता है। तो ये मैंने नोज़ ड्रॉ किया हुआ है और उसके बाद नीचे मैंने जब डिवाइड किया है वहाँ से लिप्स निकालूँगा। आप भी मेरे साथ करते जाइए, तो इससे आपको कि जो है आगे अगर आप इमेजिनेशन के थ्रू बनाना चाहेंगे तो आपको आसानी मिलेगी। इरेजर रख के रखिए, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आती है चेन की बारी। तो होता क्या है कि जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो बनाने की कोशिश कुछ करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कभी ना कभी फ़र्क आता है बनने में, कि एग्जैक्ट वैसा नहीं बनता, बट आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उसको एग्जैक्ट चीज़ जो है बना सकते हैं। तो मैं लाइट पे मैंने आईब्रो को दिया डिवाइड किया हुआ है और मैं यहाँ पर इसकी जो आइस क्लोज करना चाहूँगा, तो एक ऐसी मैं जो है गर्ल जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा इमेजिन कर रही है, कुछ सोच रही है आंखें बंद करके। जब तक आप कोशिश कीजिए, जब तक आप कुछ अच्छा जो आप चाहते हो चीज़ नहीं आ रही तब तक आप उसको फिर से उसको बना सकते हैं, इरेज करके फिर से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और मैं क्या करूँगा इसके बनाने के बाद जो डेप्थ होगी वहाँ पर ना उसको शेडो से ना हल्का सा पेंसिल से ब्लॉक कर लूँगा। तो जिससे उसे क्या होता है, लाइट और शेड हमें समझ में आता है कि लाइट और शेड होता क्या है। अब जो मैंने मार्क किया था अब यहाँ से ना डिवाइड करके मैं पहले मैं हल्का सा इसके हेयर निकाल लेता हूँ और जो है इसको ब्लॉक कर लेता हूँ, कहाँ पे लाइट आएगी कहाँ पे जो है डार्क पोर्शन होगा तो उसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ पहले यहाँ से इस तरीके से। आप भी मुझे देखते देखते करते जाइए तो आपको भी समझ आएगा कि कैसे करते हैं इस चीज़ को। और मैं अब ईयर को जो है ईयर को ड्रॉ कर लूँगा। ड्राइंग जो होती है थोड़ा पेशेंस का काम होता है, अगर आप में अगर पेशेंस है तो ड्राइंग बहुत अच्छी निकल सकती है, अगर पेशेंस लूज़ कर देंगे बीच में तो क्या होगा कि ड्राइंग गड़बड़ हो जाए, जो आपने सोचा वो बना नहीं पाएंगे। इन केस अगर आपका बीच में मन करता है कि नहीं करना है तो बीच में उठ के चले जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर आइए, फिर बैठिए, फिर करिए। तो मेरा प्रोफाइल जो है फेस जो है निकल गया है, तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने सोचा है हेयर वगैरह ये निकाल लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये फिगर मैंने कहीं देखा था, सोचा फिर कि इस तरीके से था तो मैं उस पर्पज़ से ड्रॉ कर पा रहा हूँ।
तो आप भी देखिए किसी चीज़ को, फिर इमेजिन करिए, फिर ड्रॉ करने की कोशिश करिए। उससे होता क्या है कि आपका भी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा और आप ड्रॉ कर पाएंगे उस चीज़ को। एक्चुअली क्या है, स्केचिंग जो है मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है। मैंने स्केचिंग करना मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है, कलर वाला मैं करता हूँ। बट अगर आप मुझे पूछो कि जो है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आर्ट में, विजुअल आर्ट में, तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है विजुअल आर्ट में स्केचिंग है, वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो लगभग मेरा हेड पूरा हो चुका है, ये आपके ऊपर है। आप हेड से चालू करना चाह रहे हैं, आप हैंड से चालू करना चाह रहे हैं, आप बॉडी के ह्यूमन फिगर के किसी भी पार्ट से चालू कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फेस से ही चालू करते हैं, तो मैं भी फेस से ही चालू करता हूँ। तब हेयर बनाने के बाद मैं इसका जूड़ा भी बना लेता हूँ और हल्का सा शेड इसमें भी दे देता हूँ और थोड़े से लाइन के स्ट्रोक्स लगा देता हूँ। चैनल पे थोड़ा सा टाइम बिताइए जिससे आपको जो है समझ में आएगा कि क्या चीज मैं कर रहा हूँ और किस तरीके से करते हैं, क्योंकि देख देख के मैंने भी सीखा है, मेरे ऑब्वियस है, मैंने मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। थोड़ा अच्छी चीज़ जब बनती है तो थोड़ा सा ट्यूटोरियल जो है, थोड़ा सा जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आखिरी तक देखिएगा तो आपको चीज़ें बहुत डेप्थ में क्लियर होती जाएंगी। अब ऊपर का हेड करने के बाद मैं नीचे आ चुका हूँ। नीचे अब यहाँ पर इसकी ड्रेपरी, इसके कपड़े तैयार करता हूँ। जब भी आप किसी कैरेक्टर को सोचिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फोल्ड देखिए कि अगर किस तरीके से कड़ा है, उसके ड्रेपरी के फोल्ड किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे उसने फोल्ड कर रखा, क्या पहना हुआ है। जितना ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे आप, उतना आपका जो है सब कुछ क्लियर होगा। और जब आप स्केच करने बैठेंगे तो वही सब चीज़ें आपके जो है एक रेफरेंस के तौर पर आपके काम आएंगी। देखिए लगभग ये मेरा जो है एक रफ स्केच फाइनल हो चुका है, एक डमी काइंड ऑफ कह सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा लाइट एंड शेड देना है, तो मैं इसको भी ब्लॉक कर लूँगा जैसे मैंने ऊपर है फेस में ब्लॉक किया था। आप भी इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, इससे आसानी ये होती है कि आपको डेप्थ पता चलती है, लाइट एंड शेड क्या है वो पता चलते हैं। तो आप चाहे ये कलर कर रहे हों, वाटर कलर कर रहे हैं, पोस्टर कलर कर रहे हों, या कोई एक्रेलिक कलर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाती है कि डेप्थ कहाँ पे है पड़ेगी, लाइट कहाँ पे पड़ेगी। डेप्थ तो लाइट में बता देता हूँ, जो चीज़ अंदर होगी उस वो डार्क पोर्शन होगा, जो चीज़ उभरी हुई होगी उस पर लाइट आएगी। तो हल्का सा शेड मैं करता हूँ यहाँ पर और आप भी देखते देखते करते जाइए। और मैं आगे चल के डिजिटल स्केचिंग भी बताऊंगा, बट मैं मैनुअल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उससे क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर भी मैं देखिए जो है इसको ब्लॉक कर लिया है और यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ कि ये जो है पार्ट जो है हमारा डार्क आएगा। तो इस तरीके से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं।
फिर आगे मैं क्या करूँगा, मैं वाटर पेन लूँगा और वाटर पेन से इसको लाइट ग्रे कलर का शेड दूंगा। मैंने जैसे बताया कि मुझे ना ब्लैक एंड वाइट कलर और ब्लैक एंड वाइट स्केच अच्छे लगते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि ये स्केच आपको क्या नाम नॉवल या पेपर में या कोई भी ऐसे में देखने को मिल जाएंगे, तो उसके पीछे प्रोसेस यही होता बनाने का। थोड़ा सा और डेप्थ दे देता हूँ, उसे थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ, तो जब मैं इसमें इंकिंग करूँगा तो मुझे थोड़ा सा आसानी और होगी। यहाँ ये पार्ट जो है डार्क था, चिन पे चे लिप के नीचे हल्का सा जो पार्ट होता है वहाँ पे डार्क होगा, क्योंकि वो अंदर की ओर होता है, और चिन का जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है वहाँ पे थोड़ी सी लाइट आएगी। और आँखों में भी देखेंगे हल्का सा जो अंदर होता है आँख के पास में, वहाँ पे भी हम इसको हल्का सा डार्क कर सकते हैं। तो ये मेरा लगभग जो स्केच कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब चालू करेंगे इसकी इंकिंग। तो अब मैंने ये देखिए, मैंने वाटर पेन ले लिया, इसमें हल्का सा लाइट फोटो कलर लिया है, और फोटो कलर में जो है हल्का सा पानी मिलाया हुआ है। बहुत ज़्यादा डार्क मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो बहुत ठीक नहीं आता, बहुत हार्श लगता है। जितना लाइट हो सके, लाइट करने के बाद इसको अगर डबल कोट कर सकते हैं तो करिए, बट वैसे बहुत ही लाइट करने की कोशिश करिए इसको। तो जो मैंने लाइन्स अभी पेंसिल के थ्रू बनाई थी, अब उसी पे जो है ना मैं ओवरलैप कर देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट ऐसा आ जाता है कि अंदर डेप्थ है ऊपर लाइट है, और वो चीज़ बहुत अच्छी दिखती है। और जब भी आप चाहे पेंसिल चला रहे हों या पेन चला रहे हों या कुछ भी कर रहे हो, तो फोर्स में चलाने की कोशिश करिएगा। थिक एंड थिन जो होता है ब्रश वाला जो स्ट्रोक, उससे क्या होता है, आप जैसे जैसे आप स्केचिंग करते जाएंगे और आपका हाथ उस तरीके से बिल्कुल मजबूत होता जाएगा, तो आप जहाँ पे थिन चाहिए वहाँ थिन दे पाएंगे, जहाँ पे फोर्स में चाहिए वहाँ फोर्स दे पाएंगे, जहाँ पे थिक चाहिए वहाँ थिक दे पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस से आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी आसानी से। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रोक दिया, उसको नीचे हल्का सा जो है ब्रश वाला स्ट्रोक भी दे दिया, हल्का सा नीचे फोर्स में जो है इसको स्लाइड किया, तो इस तरीके से क्या होता है फोर्स आता है ड्राइंग में आपके। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है, आप कभी भी सीख सकते हैं, आप कम एज में भी सीख सकते हैं, आप में एक लगन होनी बहुत जरूरी है। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको मन से करिए और वाकई में आप सीख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, ड्राइंग कोई भी चीज़ है, कोई शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस, इसके लिए पीछे मेहनत बहुत होती है।
तो आप अगर वाकई में आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो आप आपको ना रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए लगभग मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मेरा शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं थोड़ा जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेप्थ होनी चाहिए, यहाँ पे डेप्थ होनी चाहिए, वहाँ पे और थोड़ा सा हल्का सा डबल ब्रश चला रहा हूँ, थोड़ा सा जहाँ पे चाहिए मुझे डार्क, मैं डार्क कर देता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि मैंने ऐसा किया तो एग्जैक्ट ऐसी ही होनी चाहिए। आप भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये एक ब्रश पेन, स्केच पेन लूँगा ब्लैक कलर का, और इसको आउटलाइन करूँगा, वो भी मैं फोर्स में करूँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक ही फोर्स में कर रहा हूँ, थिक एंड थिन वाला फोर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आईब्रो जो है इसकी वो कर लेता हूँ, जो बहुत डिटेल वाला पार्ट होता है उसको मैं पहले कर लेता हूँ। तो देखिए जिस तरीके से मैंने पेंसिल चलाई थी थिक एंड थिन में, वहीं यहाँ पर भी मैं ब्रश को भी वैसे फोर्स में चला रहा हूँ कि जहाँ पे डेप्थ चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ नहीं चाहिए वहाँ थोड़ा लाइट कर देता हूँ। वही जैसे मैंने बोला कि थोड़ा ड्राइंग सब्जेक्ट जो है थोड़ा पेशेंस वाला काम होता है। अगर आप बीच में थोड़ा सा थक जाते हैं या लगता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा उसको स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा घूम के आइए, पानी पीजिए, फिर उसके बाद फिर से दोबारा आगे बैठिए। तो अभी मैं लगभग मेरी फर्स्ट जो है मैंने इसको इंकिंग कर लिया है, मतलब मैं इसको स्केच कर लिया है। नाउ अब क्या करता हूँ, मैं इसके हेयर पर जो है इसको डार्क करता हूँ, वो भी फोर्स में। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना हल्का सा डार्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ से ये मैंने इसके ऊपर कान के ऊपर से मैंने बाल निकाले, तो वो बाल भी मैं यहीं से निकालूंगा।
तो आप देख सकते हैं अभी जो है धीरे धीरे ये एक्चुअल इसको कितना अच्छा लगने लगा है। तो वही मैंने बोला कि ड्राइंग जो है पेशेंस का काम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डबल पेन स्पेस लिए चला रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा कहीं पे ज़्यादा थिक चाहिए और कहीं ज़्यादा थिन चाहिए, तो डबल कोट करने से उसको और डेप्थ नज़र आएगी, उसकी स्ट्रोक और स्ट्रांग नज़र आएंगे उसके। जैसा मैंने पहले बताया कि आप कोशिश करते रहिए, देखते रहिए कहाँ कहाँ पे और डिटेल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या स्ट्रोक लगाने से और फिगर जो और अच्छा हो सकता है। तो देखिए लगभग ये मेरा ये कंप्लीट होने को है। तो आप देखेंगे अब ये मेरा पूरा जो स्केच लगभग कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। थोड़ा मैं डिटेल में भी दिखा देता हूँ, जूम करके भी दिखा देता हूँ, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा।